नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन के क्षण, आध्यात्मिक जीवन अपनाने का अर्थ है असत के सत की ओर जाना, प्रेम और न्याय का आदर करना, निष्कृष्ट जीवन से उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ना। इस प्रकार का आध्यात्मिक जीवन अपनाए बिना मनुष्य वास्तविक सुख शांति नहीं पा सकता। काम को कल के लिए टालते रहता और आज का दिन आलस्य में बिताना एक बहुत बड़ी भूल है। कई बार तो यह कल कभी आती ही नहीं है। रोज कल करने की आदत पड़ जाती है और कितने ही पैसे महत्वपूर्ण कार्य उपेक्षा के गर्त में पड़े रह जाते हैं। तो यदि नियत समय पर आलस्य छोड़कर के लिए जाते तो पूरे ही हो गए होते। सत्य की उपेक्षा और प्रेम की अवहेलना करने की छल कपट और दम के बल पर कोई कितना ही बड़ा क्यों न बने जाए, किंतु उसका बड़पन एक विलंबन के अतिरिक्त और कुछ भी न होगे। वह बंधनों का अर्थ है कुविचारों, कुसंस्कारों और कुकर्मों से छुटकारा पाना, अपने दोषों की ओर से अनभिन्न रहने से बड़ा प्रमाण इस संसार में कोई नहीं हो सकता। उसका मूल्य जीवन की असफलता का पश्चाताप करते हुए ही चुकाना पड़ता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जय गुरुदेव। आत्मचिंतन के क्षण, बुराइयों के प्रति लोग में जिस तरह आकर्षण होता है, इस तरह यदि ऐसा दृढ़ भाव हो जाए कि हम अमुक शुभ कर्म अपने जीवन में पूरा करना ही है, तो उसे कार्य की सफलता और समृद्ध हो जाएगी। यदि सिनेमा देखने का, बोडी सिगरेट न पीने का, जुआ न खेलने का, मांस मदिरा न सेवन करने का व्रत ठाना जाए, तो उस व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाए, तो इन दुर्गुणों के कारण मलिन होने वाले स्वभाव में स्वस्थता आएगी। जीवन एक संग्राम है, इससे वही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है जो या तो परिस्थिति के अनुकूल अपने को डाल लेना है, या तो अपने पुरुषार्थ को बल पर परिस्थिति को बदल देता है। हम इस दोनों में से किसी भी एक मार्ग का समयांतर दोनों मार्ग का उपयोग कर जीवन संग्राम में विजयी हो सकते हैं। शिष्टाचार हमारे आचरण और व्यवहार का एक नैतिक मापदंड है जिस पर सभ्यता और संस्कृति का भवन निर्माण होता है। एक दूसरे के प्रति सद्भावना, सहानुभूति, सहयोग आदि शिष्टाचार का मूलाधार है। इस मूल भावनाओं के से प्रेरित होकर दूसरों के प्रति नम्र, विनयशील, संयम, आदरपूर्ण, उदार आचरण ही शिष्टाचार है। भाग्यवाद का नाम लेकर अपने जीवन में निराशा, निरुत्साह के लिए स्थान मत दीजिए। आपका गौरव निरंतर आगे बढ़ते रहने में है। भगवान का वरद हस्त सदैव आपके मस्तक पर है। वह तो आपका पिता, अभिभावक, संरक्षण, पालन सभी कुछ है। उसकी निष्ठाता आप पर भला क्यों होगी? क्या यह सच नहीं है कि उसकी आपको यह अमूल्य मनुष्य शरीर दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया है? कुछ अपने इन शक्तियों से भी काम कीजिए, देखिए आपका भाग्य बनता है या नहीं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जय गुरुदेव।